श्री कृपाल तुम्हारे जी। अध्यक्ष जी, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल 2023 का समर्थन करता हूँ। 1952 का अधिनियम केंद्रीय फिल्म प्रमापन बोर्ड यानी CBFS को मिली फिल्मी में कटौती करने और उन्हें सिनेमाघरों और टेलीविज़न पर प्रदर्शन के लिए मंजूरी देने और फिल्म के प्रदर्शन से इनकार करने के लिए अधिकृत करता है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस कानून में संशोधन बहुत जरूरी था, इसलिए संशोधन बिल संसद में लाया गया। अध्यक्ष जी, विभिन्न कार्यकारी आदेशों, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और कॉपीराइट अधिनियम 1957 और IT अधिनियम 2000 जैसे अन्य कानूनों के साथ इस कानून का सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी था। अध्यक्ष जी, CBFC द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में सुधार करना और प्रमाणन के लिए वर्गीकरण के दायरे का विस्तार करना इस विधेयक का मुख्य कार्य है। अध्यक्ष जी, पायरेसी के खतरे को रोकने के लिए फिल्म उद्योग की फिल्मों के अनधिकृत प्रदर्शन और रिकॉर्डिंग के मुद्दों को संबोधित करने के लिए भारी मांग थी, क्योंकि उन्हें सालाना भारी नुकसान हो रहा था। ये विधेयक वर्तमान समय के अनुरूप प्रमाणन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाएगा। अध्यक्ष जी, फिल्म पायरेसी के खतरे पर व्यापक रूप से अंकुश लगाने से फिल्म उद्योग के तेजी से विकास में मदद मिलेगी और क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। अध्यक्ष जी, इस विधेयक पर कुछ चिंताएं भी है, जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म बिल के दायरे से बाहर अगर कोई अनसेंसर्ड फिल्म OTT पर प्रसारित हो तो क्या होगा। इस पर या तो नियम और विनियम बनाते समय ध्यान रखना जरूरी है, या फिर इस समस्या का समाधान इस विधेयक के माध्यम से होना चाहिए। अध्यक्ष जी, आयु उपयुक्त श्रेणियाँ स्वनियामक है। इस विधेयक में माता पिता और अभिभावकों पर ये निर्धारित करने की जिम्मेदारी डाली गई है कि सामग्री किसी विशेष आयु सीमा के दर्शकों के लिए उपयुक्त है या नहीं। बच्चे बिना माता पिता या अभिभावक की अनुमति से फिल्म देखने चले गए, उस स्थिति में क्या होगा। ये कैसे निर्धारित किया जाएगा कि बच्चों ने माता पिता या अभिभावक से फिल्म देखने की अनुमति ली है। अध्यक्ष जी, ये सर्टिफिकेट फिल्मों को देखने की आयु सीमा विधेयक द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।